ॐ भूर्भुवश्च तस्य विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे से होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे होंगे, क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। नहीं कर रहे तो गाइस प्लीज़ करिए, घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। जिनकी मजबूरी होता है तो वो जाने के लिए वो मजबूर हैं, वो जाएंगे, पर जिनका कुछ काम नहीं है इसलिए वो लोग बाहर मत निकलिए, घर में रहिए। और यही मेरे बस कहना था। वेदर तो आप लोग ने देखा होगा कैसा क्लाउडी करके रखा है और शायद बारिश होगा। मैं ना कितना कुछ सोच के रखती हूँ कि बात करूँगी, पर कैमरा के सामने आते ही मेरा बोलती बंद हो जाती है। तो यही कह रही थी कि घर में रहिए फ्रेंड्स, घर को अपने हाथों से बनाया है, वहीं पे क्या बोर होना। नहीं बनाया है तो सजाया है ना अपने घर को, तो प्लीज़ घर में रहिए, फैमिली टाइम एंजॉय कीजिए, गेम खेलिए, अच्छा अच्छा यमी यमी फूड बना के खाइए। आज का रूटीन मैं बताती हूँ। तो आज मैं पहले मॉर्निंग का रूटीन सब कुछ हो गया, डिनर ये जो ब्रेकफास्ट वगैरह सब खत्म हो गया है, अभी लंच के प्रिपरेशन करूँगी। दाल चावल हो गया है, आज मैं एक सब्जी बीन्स की सब्जी बनाऊँगी, उसकी रेसिपी तैयार करूँगी। तो आगे देखते जाइए प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरा वीडियो जो है ना पूरा एंड तक देखिए, मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, थैंक यू। पैन में थोड़ा ऑयल डालेंगे, देन उसमें जीरा और मस्टर्ड सीड डाल देंगे। वो सब क्रैकल होने के बाद दो बड़े बड़े ग्रीन चिल्ली को स्लिट करके डाल देंगे और अदरक भी डाल देंगे। ये सब को थोड़ा भूनने के बाद प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को भी बिल्कुल हल्का सा ही पकाना है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक इसको भूनना है। देन प्याज हो जाने के बाद हम उसमें थोड़ा मसाला ऐड कर देंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा मीट मसाला और धनिया पाउडर। ये सबको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। देन हम उसमें बीन्स और आलू को बारीक से कटा हुआ है उसको भी शामिल कर देंगे।
इसको अच्छे से मिक्स करके हम उसमें सॉल्ट ऐड करके लीड लगा देंगे। हम इसको 15 मिनट तक लो फ्लेम में पकाएंगे। बीच में हम लीड ओपन करके उसमें थोड़ा गरम मसाला ऐड करके इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे से जल जाएगा। ये देखिए हमारा सब्जी अभी रेडी हो गया है। इसको आप लोग रोटी से खा सकते हैं, पराठे से खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। दिन लंच होने के बाद मैं इधर धुले हुए कपड़े को तेल लगा दूंगी। आयुष इधर पढ़ रहा था, ड्राइंग कर रहा था, तो मैं इधर ही नीचे बैठ के वो सारे कपड़े को फोल्ड कर दूंगी और उसके ऊपर नज़र भी रहेगा। तो एंजॉय कीजिए। Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world. आज मैं कार्डबोर्ड में एक अपुल बनाऊंगी, वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आगे देखते रहिए वीडियो, कैसा लगता है वो डेकोरेटिव पीस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए बनाते हैं अपल। बाय बाय। पहले मैं इधर स्क्वायर साइज की एक कार्डबोर्ड ले लूँगी। देन हमें एक कटर चाहिए और मास्किंग टेप चाहिए और दो कलर चाहिए। पेंसिल से हम उसमें पहले एक एप्पल को ड्रा कर लेंगे। अच्छे से पेंसिल में पहले एप्पल को ड्रा करके इसको सीजर और नहीं तो कटर के साथ इसको काट लेंगे। अपुल को कट करने के बाद हम उसकी साइड में जो रफ एज है उसको हम मास्किंग टेप से मदद से इसको स्टिक कर लेंगे। देन उसके ऊपर साइड में साइड ड्रॉ करेंगे। अपुल को अच्छे से वाइट कलर कर देंगे, अच्छे से कलर निखर के आएगा। देन अपुल के साइड में 1 इंच के करीब एक बॉर्डर इस पर ड्राइंग कर लेंगे राउंड शेप में। देन इधर की अंदर की साइड, वो बॉर्डर के अंदर की साइड हम रेड कलर करेंगे और बाहर की साइड ग्रीन कलर करेंगे। तो देखिए अपुल का आउटसाइड और इनसाइड डिवाइड हो गया है। अभी हम इसमें कलर फिल कर लेंगे। तो इनसाइड में रेड कलर देंगे और आउटसाइड में ग्रीन कलर दे देंगे। कलर हो गया है, आउटसाइड में ग्रीन कलर अभी दे देंगे।
तो कैसा लगा ये मेरा डेकोरेटिव पीस अपुल, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।